ठंडा मोस्टली वन एंड हाफ आवर। ओके, और अगर डेली बेसिस पे पूछा जाए क्या कुछ पहनना पसंद करती हैं आप? लाइक क्लासी स्टफ, मुझे बहुत एलिगेंट और बहुत क्लासी कपड़े पसंद हैं और मैं बहुत सिंपल भी रहना चाहती हूँ, सिंपल सटल सुपर। ओके, ब्यूटी टिप्स को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? ब्यूटी टिप्स के लिए खूब सारा पानी पियो, पॉजिटिव रहो। ओके, सो बिग बॉस 15 का भी बहुत ज़्यादा बच चल रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिग बॉस 15 का अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड वेटिंग आल्सो कि जल्द से जल्द आए और मैं देखूँ। ओके, सबसे ज़्यादा किसको देखने के लिए एक्साइटमेंट है? सबसे ज़्यादा सलमान खान को। क्या कुछ बताना चाहेंगे बिग बॉस 15 में नजर आएंगे नहीं आएंगे कैसे आएंगे? अभी मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगी, अगर मुझे मौका मिला आई वुड डेफिनेटली लव टू गो देयर। ओके, आपकी जो जर्नी रही है बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, किस तरह से ऑडियंस को बताना चाहेंगे? बिग बॉस ओटीटी का सफर जितने दिनों का रहा है बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेकर निकली हूँ एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि आगे भी मुझे मौका मिले और जो नहीं करके आई वो इस बार करूँगी। ओके, सो आपके बहुत सारे दोस्त भी जा रहे हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आई विश देम ऑल द बेस्ट और मेरी बेस्ट विशेज हैं उनके साथ और मैं चाहती हूँ कि इनमें से मेरा भाई जीत के आए, निशांत भट्ट, और आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। निशांत के साथ जिस तरह की आपकी बॉन्डिंग है ऑडियंस भी काफ़ी पसंद करती है और आपकी जो बॉन्डिंग है किस तरह से आप बताना चाहेंगे? निशांत मेरा भाई है। हमारी बॉन्डिंग घर के अंदर बहुत अच्छी बनी है और घर के बाहर भी बहुत अच्छी रहेगी जब वो वापस आ जाए और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि वो शो जीत कर आए। ओके, एंड लास्टली क्या कुछ आप अपनी ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहती हूँ, आप हमेशा से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरीके से अपना प्यार और घुमा क्या नाम है ले लो आप, हमारे पास देखो बाद में बोला हो जाओ बुरा फिर बोल।